आपकी इन्वेस्टमेंट अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरू हो तो आपकी जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप नए हैं मार्केट में, मार्केट के दाव पैसे आपको नहीं पता है, तो आराम से आप म्यूचुअल फंड पकड़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे वो रिटर्न मिल जाता है जो आपको बैंक या फिर बैंक में दी गई FD और RD कभी नहीं दे सकती। और इन्फ्लेशन को अगर देखें तो FD और RD कुछ नहीं देता है, ठीक है। तो आपके लिए मैं लेके आया कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे आपको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, या फिर बोले तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स आपके लिए कुछ है मेरे पास जो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं हूँ विशाल राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स टैक्स सेविंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको कुछ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ। ये सारे के सारे ग्रोथ फंड्स होंगे, यानी डायरेक्टली आपका पैसा इस म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी में जाएगा। एल्स फंड है, मिनिमम SIP आप शुरू कर सकते हैं जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, वो 100 रुपये से शुरू हो जाती है। आपको हर महीने ये 300 या फिर 100 रुपये जो भी आप डालना चाहें, लेकिन मिनिमम आपको 100 रुपये डालने पड़ेंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो भी 100 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक वन टाइम इन्वेस्टमेंट में देने पड़ेंगे। टॉप रेटिंग्स है, 4-स्टार रेटिंग से लेकर 5-स्टार रेटिंग सबको मिली हुई है। अगर रिटर्न की बात करें तो 15% से लेकर 18% तक का ड्रास्टिक रिटर्न इसमें मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें टैक्स लगनी नहीं है, और आपको अगर 15-18% तक का रिटर्न मिल जाता है तो आप मार्केट को रूल कर रहे हो। हाई रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्योंकि इक्विटी में जाने का मतलब है कि मार्केट के उतार चढ़ाव से थोड़ा सा तो आपको झेलने पड़ जाएंगे। और आपका रिस्क लेने का फैक्टर कितना है, कितना आप रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट करना। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है जो टैक्स फ्री है वो है बंधन टैक्स एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पे NAV 112 रुपये पे अलर्ट होंगे आपको, और जो फंड जो 3 साल में रिटर्न दिए हैं वो लगभग 37% के आसपास में है। और ऑल टाइम रिटर्न को देखें तो 16% तक का रिटर्न मिला है जब से ये लिस्ट हुआ है तब से लेके आज तक। 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है ARQ के द्वारा। और फंड साइज की बात करें तो 4170 करोड़ का टोटल फंड इसमें फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें 500 से लेके ऊपर जितना भी कर लो आप, और SIP अगर करने जाते हो तो मिनिमम आपको 500 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए और SIP के लिए भी। मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये हमारा सेकंड म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको टैक्स फ्री होंगे। इसमें जो NAV आपके लिए अलॉट की जाएंगी वो 34 रुपये होंगे, और जो फंड जो है 3 साल में रिटर्न लगभग 30% का दिया हुआ। और अगर फंड के ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो ये उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छा है जो पिछले वाले बंधन वाला था, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है 18% तक का रिटर्न अगर जब से ये NAV अलॉट हुआ है तब से लेके आज तक। 3.5-स्टार रेटिंग है। फंड साइज जो है वो 14,448 करोड़ है। वन टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 से कर सकते हैं, और SIP भी इसमें आपको 500 रुपये से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसमें तीसरा है कोटक महिंद्रा बैंक की कोटक टैक्स सेवर स्कीम ग्रोथ डायरेक्ट। इसमें जो NAV आपके लिए अलॉट करी जाएगी वो 87 रुपये होंगे, और 3 साल में रिटर्न लगभग 29% का मिला हुआ है। और ऑल टाइम रिटर्न को देखें, ऑल टाइम रिटर्न का मतलब बेसिकली ये होता है ना कि जब से ये लॉन्च हुआ है ये म्यूचुअल फंड तब से लेके आज तक अगर हर साल के रिटर्न को एवरेज करें तो ये लगभग 15% तक निकल के आता है। 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। 3400 करोड़ इसमें टोटल फंड मैनेज किए जा रहे हैं आपके फंड मैनेजर के द्वारा। वन टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको लगभग 500 से करनी पड़ेगी, और SIP भी आपको इसमें 500 रुपये से ही करनी पड़ेगी। चौथा है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये NAV 253 रुपये का है। फिलहाल ये लगभग 262 रुपये के आसपास चल रहा है अगर आज की डेट की बात करें 10/6/2023 की। 3 साल में अगर रिटर्न को देखें, एवरेज रिटर्न को, तो ये भी लगभग 29% तक का रिटर्न इसमें मिलता है, और ऑल टाइम रिटर्न को देखें तो लगभग 14% तक का डिसेंट रिटर्न इसमें मिलता है। 5-स्टार रेटिंग है। 12,335 करोड़ इसमें फंड मैनेज हो रहे हैं टोटल। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, लमसम फंड इसको कहते हैं, तो आप इसको 500 रुपये से अपना लमसम फंड बना सकते हो मिनिमम, और SIP करने जाओ तो वो भी इसमें आपको 500 रुपये से ही करनी पड़ेगी। हर महीने 500 रुपये आपके अकाउंट से कट जाएंगे और आपके पोर्टफोलियो में जुड़ते जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखेंगे नहीं। अगर इक्विटी लेके बैठ जाते हैं तो बार बार आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी शेयर्स चल रहा है, कौन से नहीं चल रहा है, सबके क्वार्टर रिजल्ट देखो। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये सारे काम आपके फंड मैनेजर करते हैं। छोटे मोटे अगर इन्वेस्टमेंट करने हैं 1-2-5 लाख के, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, काफ़ी अच्छा है, आपका टाइम भी बच जाएंगे। पाँचवा है DSP टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसमें NAV 89 रुपीज़ पे आपको अलर्ट करी जाएंगी, और जो फंड 3 साल में रिटर्न दिए वो लगभग 29% का है, और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो वो लगभग 16% का है। 4.5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। 10,178 करोड़ इसमें टोटल फंड मैनेज हो रहे हैं। वन टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 500 रुपये है, और SIP भी इसमें 500 रुपये है। कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपनी वीडियो को मैं कैसे इंप्रूव करूँ ये जिम्मेवारी मैं थोड़ा बहुत आपको भी देता हूँ, क्योंकि वीडियो कैसे अच्छा बनाना है और अच्छे से अच्छा बनाना है ये आप बताओ, क्योंकि मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि देश का हर लोग अच्छा वेल्थ क्रिएट करें और आगे बढ़ते जाएं।
वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।